नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर के समूह हम हैं इंसान ग्रुप के द्वारा शहर में हर रविवार को चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत इस बार रविवार को ग्रुप के सदस्यों ने सिविल लाइन क्षेत्र स्थित स्वीडिश मिशन स्कूल में श्रमदान करके अपना समय बिताया। आपको बता दें कि हम हैं इंसान टीम ने स्वीडिश स्कूल के कुछ पूर्व विद्यार्थियों के साथ मिलकर सबसे पहले सदस्यों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और उसके पश्चात स्कूल की दीवारों के रंग रोधन कर बुंदेली आकृतियों एवं स्वच्छता के संदेशों से दीवारों को सजा दिया एवं स्कूल के पार्क में दिख रही गंदगी को भी साफ करके शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश अपने कार्य के माध्यम से दिया। टीम ने बताया कि जो भी सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल होते हैं उनमें आए दिन शासकीय कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन स्वच्छता के प्रति कभी कोई सरकारी संस्था ध्यान से ढंग नहीं देती, जबकि देश का निर्माण स्कूलों के शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। जब स्कूलों में बच्चे अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण देखेंगे तभी वो समाज में स्वच्छता लाएंगे और शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए शपथ ली। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आपके इन सारे अभियानों में प्रशासन किस तरीके से आपका सहयोग करता है? देखिए, प्रशासन का सहयोग तो माइनस में बोलूंगा, मैं जीरो भी नहीं बोलूंगा, माइनस में बोलूंगा, क्योंकि जो हम लोग का काम रहता है वो प्रशासन भी मट्टी पलीत कर देता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप स्वीडिश मिशन के बारे में जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रशासनिक कार्य होते रहते हैं, प्रशासनिक कार्यक्रम होते हैं। आज भी मेरे हिसाब से यहाँ एक आयोजन हो रहा है। जी हाँ, आज भी एक कार्यक्रम होना है, लगभग 12:30 बजे यहाँ पर कार्यक्रम होना है। पर आप यहाँ की स्वच्छता हम लोग देखेंगे और कार्यक्रम वो लोग करेंगे। और हो सकता है यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ पर अगर कोई नेता वगैरह आए तो ये सारी कलाकृति भी छुपा दे, तो इसलिए दर्द होता है, दिल रोता है, हम लोगों का दर्द होता है, क्योंकि जो मेहनत रहती है हमारी 8-8, 10-10 घंटे की, वो बर्बाद हो जाती है। सबसे ज़्यादा दर्द होता है। आज भी हर ग्रुप जो हमारी टीम का हर सदस्य है उसके पास यह दर्द जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा, जो PTC ग्राउंड में हमारे साथ कृत्य हुआ प्रशासन द्वारा। और हम लोग उतने सक्षम अगर बोली जाए तो नहीं थे कि प्रशासन से लड़ सके, पर हम लोग ने अपने काम से, हम लोग हारे नहीं, जुनून हमारा हारा नहीं, और हम लोग ने अपने काम से प्रशासन को मैसेज दिया कि आप कितना भी हमें तोड़ते जाओ, हम फिर से गिरेंगे, हम फिर से उठेंगे, फिर से खड़े होंगे और फिर बुलंदियों को छूएंगे। हम लोग प्रेरणा लेते हैं एक चींटी से। आपने चींटी को देखा होगा, चींटी जब भी एक जगह पर अपनी चढ़ती है तो वो चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन हार नहीं मानती है। एक छिपकली भी हार नहीं मानती है, अगर उसको एक दीवार से दूसरी दीवार तक क्रॉस चलना पड़ता है तो हार नहीं मानती है, वो गिरती है, उठती है, फिर जाती है, फिर चलती है। तो हम लोग का लक्ष्य बस यही है कि सागर को स्वच्छ बनाएं, स्वच्छता की नंबर वन रैंकिंग पे लेके आए, इंदौर को भी पछाड़ें हम लोग भविष्य में, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और हम लोग कितनी भी बार गिरें, कोई भी कितना भी गिरा ले, प्रशासन हो या शासन हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे और फिर अपनी कामयाबी को छुएंगे। बहुत बढ़िया आकांक्षा, आज आप सब लोग, ये एक स्कूल है यहाँ अपने सागर शहर का, स्वीडिश मिशन स्कूल, तो इस स्वीडिश मिशन स्कूल में काम करने का क्या उद्देश्य है? आज हम सब स्कूल में इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनको, मतलब अभी मैं खुद भी नहीं जानती हूँ, मतलब वो विलुप्त होते जा रहे हैं, जो सब अब धीरे धीरे नए स्कूल जा रहे हैं तो ये पता नहीं चलता, और यहाँ गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस कारण से हम लोगों ने स्कूल का एक मिशन शुरू किया है कि मतलब अब सारे स्कूल्स को कवर करके उनकी साफ़ सफाई और उनको अच्छा बनाएंगे। तो आज का ये पहला मिशन, पहला स्कूल है मतलब जिसमें हम लोग आए हैं और साफ़ सफाई और सब काम शुरू किया है। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।